अस्सलाम वालेकुम सबको सलाम। आज मेरा बस अच्छा मौसम था तो मैंने सोचा कि बाहर थोड़ा सा बीच की साइड पे घूम के आऊँ। तो मैं यहाँ पे मेरे ये घर के तकरीबन कोई 7 मिनट की ड्राइव पे है, यहाँ पे आ गई हूँ। मैंने बस गाड़ी पार्क की है और यहाँ पे ये पुल के नीचे, ये डाउनटाउन का एरिया है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना बड़ी मुश्किल होती है। तो मैंने ये पार्किंग के अंदर, यहाँ पे सब जा रहे हैं देखें, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी वहाँ बाहर पार्क कर दी है। तो ये यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पर बड़ा अच्छा अच्छा वेदर है आज, खूबसूरत लग रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पहले इतना रश नहीं था 1200 पहले 1100 पहले, लेकिन अभी तो इतना रश है कि आप कुछ मत पूछें। और यहाँ पे बस ये मैंने पार्किंग लगाई और पार्किंग लगा के ये बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। इधर ये है शॉपर ड्रग मार्ट है, शॉपर ड्रग मार्ट के पार्किंग है ये वाली जहाँ मैंने पार्किंग की है। मेक श्योर कर लूँ गाड़ी बंद है तो यहाँ पे घूमेंगे थोड़ा सा, जाएंगे और दिखाती हूँ आपको। बीच की साइड आज बड़ी खूबसूरत है, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे जाना। बिल्कुल सामने है, थोड़ा सा वॉक करेंगे। पहले वॉक करती थी, गाड़ी नहीं चलाती थी, फिर जब गाड़ी चलानी शुरू कर देते हो ना आप एक दफ़ा, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा पैदल चलना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। खैर कोई नहीं, ज़्यादा चलना नहीं है, इसलिए शुरू हो गया बीच जो है। यहाँ से क्रॉस कर लें, कर लें इधर चल जाऊँगा पर सामने क्रूज के लगे हुए हैं, ये लोगों को ले जाते हैं उस तरफ दूसरी साइड पर। यहाँ पे अच्छा लगता है अगर आप पूरी फैमिली आए, फिर बहुत अच्छा लगता है, घूमते एंजॉय करते हैं। मैं भी जॉब के बाद आ जाती हूँ कभी कभार, कुछ बिल्डिंग्स इतनी इतनी प्यारी हवा चल रही है आज, बहुत खूबसूरत वेदर हुआ है। मेरा प्रोग्राम तो था वॉलमार्ट जाने का, लगता है ना कि जैसे आर्टिफिशियल हो, लेकिन आर्टिफिशियल नहीं है। बिल्कुल ओरिजिनल है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यार, हवा भी इतनी अच्छी है। कल इतनी शिद्दत की गर्मी थी कि आपको बता नहीं सकते। आप जब ठंडे इलाकों में रहते हो तो फिर आपके लिए गर्मी को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे इंतज़ार करूँ, ये देखें एक ही सड़क है जहाँ से स्ट्रीट कार भी गुजर रही है, और वही सड़क है जहाँ पर गाड़ी भी जा सकती है, कारें गाड़ियाँ स्ट्रीट कार सभी एक ही सड़क से जा रहे हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ट्रैक जो है वो स्ट्रीट कार का, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये देखें, ये पाकिस्तान की तरह हमारी ट्रेन का सिस्टम थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ पे सेम ही है, एक ही सड़क से जब साथ ले। अब आ गए हम, ये लोगों, ये ट्रैक जो है ये सिर्फ साइकिल वालों के लिए है। यहाँ पे सिर्फ साइकिल वाले ही आ जा सकते हैं, लिखा हुआ नाम सिर्फ
साइकिल वाला, एक लड़का और लड़की जो है वो एक ही पे दोनों आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। लोग काफी सारे घूमने आए हुए, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज के लिए आए हुए। ये बीच के बिल्कुल सामने है, खासा एक्सपेंसिव रेंट होता है यहाँ पे रूटीन में। डाउनटाउन में वैसे ही महंगा होता है, मैं डाउनटाउन में ही रहती हूँ और मैं शुरू से ही डाउनटाउन में रह रही हूँ। इस वक्त अभी बोट जो है वो 6 बजे बंद हो गई है लेके जाने वाली, नहीं तो छोटी बोट्स होती हैं वो, ये हैं। आई थिंक 6 बजे तक होती हैं आखिरी बोट्स जो लेके जाती हैं, उसके बाद वापसी वहाँ से सेंटर आइलैंड से लोग आते हैं, इसलिए भी रश कोई नहीं है। वेदर बहुत अच्छा है, जैसे बारिश हो जाएगी अभी ऐसा लगता है, इंशाल्लाह अगर बारिश हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी शक्ल में मैं क्या करती हूँ, मैंने हमेशा अपने बैकपैक में एक दो प्लास्टिक के बैग रखे होते हैं, बस मैं वो बैग निकालूँगी, अपना जूता जो है मैं अपने शूज़ उतारूँगी और बैग प्लास्टिक के लिफाफे में रख लूँगी, और फिर मैं कपड़ों का ख्याल नहीं करती, एक में बैग रखूँगी और एक में मैं शूज़ रखूँगी, दो लिफाफे हमेशा शॉपिंग बैग में रखती हूँ, पैराशूट के बैग। बैग एंटर हो जाते हैं पार्क में, ये बिल्कुल बीच के, ये देखें ये बीच है, ठीक है, ये बीच के बिल्कुल साथ ही एरिया है, यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। मोस्टली मैं अगले ट्रैक से जाती हूँ वॉक करके, लेकिन इससे भी जा सकती हूँ। मेरी वीडियो सब लोगों ने बहुत पसंद की, सबका देखने वालों के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ, और अगर आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे पसंद करेंगे, और मुझे बताएं कि अगर आपको कनाडा में टोरंटो में ख़ास तौर पे कोई ऐसी जगह आपने इंटरनेट पे देखी हो और आपको लगे कि आपको दोबारा देखनी है तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। यहाँ पे कोई किसी को बॉदर नहीं करता, ये सबसे अच्छी बात है, आप कैसे भी फिर रहे हो कहाँ भी जा रहे हो। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, ये छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े रखे हुए हैं इन्होंने, आप बैठ भी सकते हैं। ये सामने जो बिल्डिंग है, यहाँ की वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, मैं एक्चुअली 3 महीने के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरा ना मोबाइल चोरी हो गया था गाड़ी से। यहाँ पे CN टावर जो है वो आप कहीं पर भी चले जाओ टोरंटो में आपको दिख ही जाता है, कहीं पर बिल्डिंगों के पीछे छुपा होता है, कहीं पे सामने नज़र आता है। शाम हो गई है तो चिड़ियों के घर जाने का टाइम हो गया, अगर आप सुन सकते हैं तो सुने, बहुत प्यारी आवाज़ें। गोल के गोल घरों को जाने वाले हैं। यहाँ पे मोस्टली लोगों ने कुत्ते रखे हुए हैं, बड़ा प्यार करते हैं जानवरों से, अब तो खैर बहुत सारे लोगों ने रखी है, देखा देखी पहले सिर्फ यहाँ के कनेडियन लोगों के पास हुआ करते थे। कितना खूबसूरत है ना ये वीडियो, काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं ये वाली वीडियो वहीं पे ख़त्म करती हूँ।
फिर बीच पे जाके बनाऊँ।